14 सितंबर तो शुरू होने जा रहा है लोकसभा का मानसून इजलास, 1 अक्टूबर तक इजलास चलेगा। सो मानसून इजलास शुरू होने वाला है 14 सितंबर तो लोकसभा का मानसून इजलास शुरू होएगा जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना को देखते हुए कार्रवाई दे विच ए बदलाव किया गया और इस बार दे कार्यकाल विच प्रश्नकाल तो जरा बिना ही इजलास होगा। सो इजलास जरा मानसून शुरू हो रहा है इस विच प्रश्नकाल नहीं होगा। प्रश्नकाल ना होने पर विरोधी धिर ने अपनी नाराजगी जताई है। इजलास तो 72 घंटे पहला सांसदां ते स्टाफ नूं अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सो मानसून इजलास की शुरुआत होने जा रही है लेकिन इस दे विच कुछ हुण बदलाव किए गए ने। 14 सितंबर तो इजलास शुरू होने जा रहा है जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना नूं वेखदिआं होइआं कुछ कार्रवाई दे विच बदलाव किए गए ने। दस दईए कि इस बार प्रश्नकाल तो बिना ही इजलास होगा। प्रश्नकाल ना होने पर विरोधी धिरां ने अपनी नाराजगी जताई है। दस दी कि इस अलावा इजलास तो 72 घंटे पहला सांसदां ते स्टाफ नूं अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। हरप्रीत बंदेशा साढ़े नाल जुड़ चुके ने। हरप्रीत, जिहड़ा मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है यकीनन कोरोना दे चलदिआं कुछ चुनौतियां भी रहणगियां और इसदे चलदिआं ही बदलाव किए गए ने। जी बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल कोरोना वायरस दे नूं लैके पूरे देश भर च एहतियात वरते जा रहे हैं उससे दे चलदे ही संसद का सत्र जिहड़ा है उस दे विच भी बदलाव किए गए हैं। असीं अपने दर्शकों नूं दस दईए कि एक बैठक की गई जिस बैठक दे विच एम्स इस तो अलावा आईसीएमआर डीआरडीओ ते दिल्ली सरकार दे सारे जिहड़े अफसर सन वो मौजूद रहे कि संसद सत्र जिहड़ा है वो किस तरीके नाल चलाया जाए। लोकसभा दे जिहड़े अध्यक्ष ने ओम बिरला उन्होंने मीटिंग लई सी ते पूरे लोकसभा स्पीकर ने श्योरिटी की है कि सत्र भी चले ते संक्रमण भी ना फैले ते इससे चलदिआं जिहड़ी सारे सांसद ते उन्हां दा स्टाफ होएगा 72 घंटों पहले उन्हां दा कोविड टेस्ट कराया जाएगा। इस दे नाल ही लोकसभा दे संसद परिसर दे सैनिटाइजेशन दी व्यवस्था कराई जा रही है। 40 जगह दे उत्ते टचलैस सैनिटाइजर लगाए जाणगे ते एमरजेंसी मेडिकल टीम ते एंबूलेंस जिहड़ियां ने ओह हर वेले तैयार रखियां जाणगियां। कोविड-19 नूं लैके सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन जिहड़ा उहनूं पूरे तरीके नाल कीता जाएगा ते जिहड़े सांसद ने उह बहि के भी अपनी गल रख सकदे ने। लेकिन दूसरे पासे दूसरी च अहम चीज़ इह कि इस बार संसद सत्र दे विच आम लोग जिहड़े होणगे उहनां नूं प्रवेश नहीं दिता जाएगा, उह अंदर नहीं जा सकणगे। इस दे नाल ही लोकसभा ते राज्यसभा लई मीडिया दीआं भी सिर्फ महज 100 रखण दा प्रस्ताव दिता गया ते मीडिया कर्मियां दा भी कोविड टेस्ट करवाना कंपलसरी होएगा। दूसरी अहम चीज़ जिहड़ी है कि इस पहली बारी शायद बहुत लंबे समय तो यह होएगा कि जिहड़ा सत्र है जिन्हों कहा कि लगभग 1952 तो बाद पहली बारी होएगा कि संसद के मानसून सत्र के विच प्रश्नकाल जिहड़ा वो नहीं होएगा। हुण इसनूं लैके विरोध हुंदा भी नजर आ रहा है, टीएमसी इस ते विरोध भी नजर दर्ज करा रही है। उन्हां दा कहना है कि महामारी का आड़ लैके सरकार जवाबदेही तो बच रही है, सरकार का कामकाज जिहड़ा वो जवाबदेही है ते सरकार नूं जवाब देना चाहिए। लेकिन कोरोना दे नाल दुनिया लड़ रही है, प्राइवेट तो लैके सरकारी काम जिहड़े ने सारे ठप ने ते उसे दे विच जेकर 14 सितंबर तो 1 अक्टूबर दे विच सत्र चलदा है ते जाहिर तौर ते वो भी एक अपने आप च वड्डी चीज है। लेकिन पूरे मानसून इजलास दे दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होएगा ते इस वारी सत्र जिहड़ा होएगा वो बिना छुट्टी तो होएगा भी दस्सिया जा रहा है ते ये वड्डी चीज है कि इस पूरी कोविड दे दौरान जिस तरीके दे नाल सोशल डिस्टेंसिंग तो लैके सारे जिहड़े मानक ने जो गाइडलाइन तय की गई ने केंद्र सरकार वालों उन्होंने रख सामने रखते हुए मानसून इजलास जिहड़ा वो करवाया जाए। जी जी हरप्रीत, शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी लई। सो यकीनन बहुत सारे तब्दीलियां, बहुत सारे बदलाव क्योंकि एक वड्डी चुनौती है इजलास जिहड़ा है वो कराना जिस तरह इस वेले पूरे देश दे विच कोरोना दे केसिस दे विच जो रिकॉर्ड तोड़ वादा दर्ज किया जा रहा है अजे विचकार ए ना बदलावां दे तहत ही कार्रवाई जिहड़ी है इजलास दी होवेगी।